हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हमारे चैनल पर एडिशन और सबट्रैक्शन बच्चों के लिए सिखाया जा रहा है, जहाँ पे एडिशन जो है हासिल वाला और सिंपल वाला हमने सिखा दिया है, और सिंपल वाला सबट्रैक्शन मतलब घटाना जो है वो हमने आपको सिखा दिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कैरी वाला, बारोइंग वाला, जो हमारा घटाना होता है, सबट्रैक्शन होता है, या कह लो उधार लेने वाला जो हमारा घटाना होता है, उसको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। तो हमने आपको क्या बताया था कि हम यहां से अगर घटाते हैं इसको तो गलत हो जाएगा। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? लास्ट डिजिट से करना है। 5 में से 7 को घटाएंगे। अब आप कहोगे 5 तो छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है, तो घटाएंगे कैसे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? बारो लेना पड़ेगा, मतलब हमें उधार लेना पड़ेगा। किससे उधार लेना पड़ेगा? इससे हम उधार लेंगे। ठीक है, इससे हम उधार लेंगे, इसको देंगे। एक इसका एक जो है इसके कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। इसका एक कम होगा, इससे एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 की जगह पे हमारा बच जाएगा 3। ठीक है, क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और ध्यान देना, इसका एक इसके लिए 10 के बराबर है। जैसे कि आपकी एक रोटी एक छोटे से बच्चे के लिए 10 रोटी के बराबर है। ठीक है, आप एक रोटी एक बार में खाओगे पेट भरने के लिए, मगर वही रोटी एक छोटे से बच्चे को दी जाए तो वो 10 बार में खाएगा। मतलब आपकी एक रोटी 10 रोटी के बराबर है, ऐसे ही इसका एक नंबर इसके 10 नंबर के बराबर है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो इसने अपना एक इसको दे दिया। ठीक है, तो एक इसमें कितना हो गया? 10 के बराबर हो गया, और इसमें से एक कम हो गया, तो यहाँ पे क्या नंबर बचा? यहाँ पे नंबर बचा है 3। तो हम यहाँ पे 3 लिखे दे रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? इसके पास 5 तो पहले से था, 10 और आ गया, तो अब इसके पास कितने हो गए? 10 और 5 मिलके हो गए यहाँ पे 15। ठीक है, और 15 में से अब 7 को हमें घटाना है। ठीक है, तो 15 में से 7 को हम घटा दे, तो 15 लाइन्स हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 लाइन में से हमें कितनी लाइंस कट करनी है? 7 लाइंस कट करनी है। 7 लाइन हम कट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास बिना कटी हुई कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में? अब इसके पास कितना बचा था? 3 बचा था। अब 3 में से 2 को माइनस करना है, तो ऊपर 3 लिखा है ना, 4 से अब 4 का काम खत्म हो गया है, 3 ही बचा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 में से 2 लाइंस जो है वो हमें कट करनी है। 1 2 2 लाइंस कट करनी। हमारे पास कितनी लाइंस बची? 2 लाइंस बची है, तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से ये जो हमारे 12 वाले क्वेश्चन होते हैं, उधार वाले हमारे घटाने होते हैं, इनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आ गया है समझ में? तो हमारा आंसर क्या आ गया है? 28। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्या लिखा है? 7। 7 में से क्या माइनस करना है? 9। अब 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 7 छोटा है। तो हम क्या करेंगे? हम उधार लेंगे। किससे उधार लेंगे? 3 से उधार लेंगे। तो 3 ने उधार दिया है, कितना दिया? 3 ने खुद का 1 दिया है उधार, और इसके 1 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो 3 में से 1 तो माइनस हो जाएगा, तो 3 में से जब 1 माइनस हो गया, क्योंकि 3 ने 1 उधार दे दिया, तो कितना? जैसे कि आपके पास 3 रोटी थी, 1 रोटी आपने किसी को उधार दे दी, तो आपके पास कितनी बची? 2 बची। तो यहाँ पे क्या बच गया है? 2 बच गया है। अब यहाँ पे कितना हो गया? इसके पास 7 तो पहले से था, अब 10 और मिल गया है, तो 10 और 7 हमारा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 17। अब 17 में से 9 को माइनस करना है। हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पे कितना था? 10 था। अब ये 10 में से इस 9 को घटा दो, 10 में से 9 को घटाएंगे, तो इसके लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 9 लाइंस जो है ड्रॉ कर लो, 10 लाइन ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से कितनी लाइंस कट करनी है? 9 लाइंस कट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
हमारे पास कितना बचा है, 1 बचा है, और अभी हमारे पास ये 7 भी बचा था क्योंकि हमने इसको भी यूज किया, इसको यूज किया, इसका तो यूज हुआ ही नहीं था, तो 1 और 7 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज नहीं समझ में आई, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं समझ में आई है तो हम आपको प्रॉपर तरीका जो होता है उससे समझा देते हैं। फिलहाल हमारा कितना हुआ था, 107 जुड़ के कितना हुआ था, 17 हुआ था, 17 हुआ था, 17 लाइन बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में से 9 लाइन जो है वो कट कर दूंगी, कट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमारे पास कितनी लाइन्स बची हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन बची थी, तो 8 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे तो वैसे कर लो। अब हमने देखा था कि यहाँ पे कितना बचा, 3 में से 1 चला गया था, 2 बचा, अब 2 में से 2 जाएगा, मतलब हमारे पास 2 लाइन थी, दोनों ही हमारी कट गई, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 08, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट 8 बोल सकते हैं। ठीक है, 8 हमारा आंसर हो गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 6 में से 9 को माइनस करना है, पर 6 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे उधार लेंगे, इसने एक उधार दिया है किसको, 6 को, तो इसका एक कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, 10 है 16 को जब हम जोड़ देंगे, 10 और 6 को जोड़ देंगे, 16 को नहीं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 16। अब 16 में से 9 को माइनस करना है, तो हम 16 लाइन बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में से हमें कितना माइनस करना है, 9 माइनस करना है, तो 9 लाइंस हमारी माइनस हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमारे पास कितनी लाइंस बची हैं बिना कटी वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लाइंस बची हैं, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। अगर हमने आपको वो जो तरीका बताया था उससे भी आप कर सकते हो, जैसे कि 10 में से 9 को जब घटाएंगे, यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 9 था, 10 में से 9 को जब घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये 6 भी अभी बचा हुआ था, तो 6 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारा 8 में से 1 चला गया था, तो कितना बचा, 7। अब 7 में से 2 को माइनस करना है, तो 7 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में से कितना माइनस करना है, 2 लाइंस कट कर दी। अब हमारे पास कितनी लाइंस बची हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, तो 57 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम 3 डिजिट का सबट्रैक्शन, 12 वाला सबट्रैक्शन आपको सिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हम करते हैं आपसे बाय बाय।